क्या आपने कभी ये सोचा है कि ठंडी में नदियों का पानी पूरी तरह जम जाता है, तो ऐसे में मगरमच्छ और घड़ियाल जैसे जीव कहाँ जाते होंगे और जिंदा रहने के लिए क्या करते होंगे। दरअसल दोस्तों, घड़ियाल और मगरमच्छ जैसे जीव अपने शरीर का टेम्परेचर और मेटाबॉलिज्म को पानी के अंदर अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं और अपने शरीर को बर्फ में जमने के लिए छोड़ देते हैं। दरअसल मगरमच्छ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जिन पर बाहरी तापमान का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। इनके शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे ये वेदर को डिटेक्ट कर लेते हैं, अपने सेंसर की मदद से पहले ही मालूम कर लेते हैं कि ठंडी का मौसम आने वाला है और मगरमच्छ ज्यादा ठंडी में नहीं रह सकते। इसीलिए सर्दी में जब भी बर्फ पड़ने लगती है तो मगरमच्छ अपने आप को बर्फ के अंदर गाड़ लेते हैं, क्योंकि बर्फ के अंदर मौजूद पानी का तापमान बाहर के मुकाबले ज्यादा गर्म होता है। ऐसे में वो ऑक्सीजन लेने के लिए सिर्फ अपनी नाक को बाहर निकाले रखते हैं। ऐसी हालत में अगर कोई मगरमच्छ को पानी से बाहर निकालता है तो कोल्ड ब्लडेड होने के कारण वह तुरंत ही मर जाएगा। वैसे क्या आपने कभी रियल में मगरमच्छ को बर्फ के अंदर देखा है? कमेंट करके जरूर बताना।